हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट, जो आपकी इंग्लिश की बुक है, उसकी लास्ट यूनिट है फ्लाइंग हाई। इसके एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस हम देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ नए वर्ड्स हैं जो हमें सीखने हैं, वो हम याद कर लेते हैं। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना, हाई का मतलब ऊँचा, मैन आदमी को कहते हैं, माउंटेन पहाड़ होती है, पहाड़ होता है। सी का मतलब समुंदर होता है, जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। और टेक का मतलब होता है लेना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स ना आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो? फ्लाइंग मैन जो है वो कहाँ पर जाता है? तो इसका आंसर है, द फ्लाइंग मैन फ्लाइज ओवर द माउंटेन्स एंड द सी। फ्लाइंग मैन कहाँ का फ्लाई करता है, कहाँ का उड़ता है? माउंटेन्स पे भी उड़ता है, वो सी पर भी के ऊपर भी वो उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू? जो बच्चा है वो क्या करना चाहता है? तो इसका आंसर है, द चाइल्ड वांट्स टू फ्लाई विद फ्लाइंग मैन। चाइल्ड क्या करना चाहता है? उड़ना चाहता है फ्लाइंग मैन के साथ। नेक्स्ट है, कैन यू गेस हु द फ्लाइंग मैन इज? क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन है फ्लाइंग मैन? तो इसका आंसर है, द फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन। गलत है ये, फ्लाइंग मैन इज़ पायलट। यहाँ पर जो फ्लाइंग मैन है वो कौन है? यहाँ पर हमारा पायलट है, या फिर आप सुपरमैन भी कह सकते हैं पोएम में, तो इस हिसाब से बताया गया है। नेक्स्ट है, नाउ टॉक अबाउट हिम। सुपरमैन है सुपर पावर टू फ्लाई, एंड विद हिज सुपर पावर ही सेव्स द वर्ल्ड। सुपरमैन हेल्प एवरीवन, ही इज़ माई फेवरेट सुपर हीरो। तो ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पायलट के बारे में लिखना है तो आप पायलट के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हैव यू सीन एन एरोप्लेन? क्या आपने एरोप्लेन देखा है कभी? तो येस, आई हैव सीन एन एरोप्लेन, मैंने एरोप्लेन देखा है। नेक्स्ट है, लेट्स प्रिटेंड यू आर अ पायलट। अगर आप पायलट हैं, प्रिटेंड करना है आपको कि आप पायलट हैं और आप एरोप्लेन में फ्लाई कर रहे हैं। तो व्हाट विल यू सी आउटसाइड योर एरोप्लेन? आप अपने एरोप्लेन के बाहर क्या देखेंगे? तो इसका आंसर है, आउटसाइड द एरोप्लेन ड्यूरिंग द डे आई कैन सी ट्री, माउंटेन, क्लाउड्स एंड सन। तो जो पोएम में है ना, मैं पायलट के बारे में ही बता रखा है। बाकी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अपने सुपर हीरो के बारे में लिखिए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो प्लेन के बाहर आपको क्या क्या दिखता है? आपको ट्री दिखते हैं, माउंटेन दिखते हैं, क्लाउड सन दिखता है। नेक्स्ट है, नाइट के टाइम आप लोगों को क्या दिखता है? आउटसाइड द एरोप्लेन एट नाइट आई कैन सी स्टार एंड लाइट। तो स्टार लाइट वगैरह दिखते हैं आप लोगों को बाहर। नेक्स्ट है, व्हाट विल यू सी इनसाइड योर एरोप्लेन? एरोप्लेन के अंदर आपको क्या क्या दिखता है? तो इनसाइड माय एरोप्लेन आई कैन सी माय क्रू मेंबर, पैसेंजर, कॉकपिट, विंडोज़। तो विंडो, पैसेंजर है ना, ये सब आपको दिखते हैं। से अलाउड, ये सब आपको तेज़ से पढ़ना है। फिर विच वर्ड इन द बॉक्स साउंड लाइक हाई? हाई जैसा कौन सा शब्द लग रहा है? तो हाई जैसा शब्द जो लग रहा है वो है वाई, हाई वाई, एक जैसा लग रहा है ना। नी जैसा कौन सा शब्द लग रहा है आपको? नी, नी होता है घुटना, घुटना आपको मी जैसा लग रहा है, नी मी। नेक्स्ट है, आप लोगों को आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं उससे आप लोग मैच कर सकते हैं। तो अ पर्सन, तो हम आप देख लेते हैं यहाँ पे। तो अ पर्सन हु सेल्स अ शिप, एक पर्सन जो शिप चलाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग सेलर कहते हैं। सेलर जो शिप सेल करता है उसको हम सेलर कहते हैं। अ पर्सन हु फ्लाइज अ स्पेस शिप, जो स्पेस का शिप चलाता है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। अ पर्सन हु ड्रॉज और पेंट्स, जो आर्टिस्ट कहते हैं, जो ड्रॉइंग करता है, पेंटिंग करता है, उसको हम आर्टिस्ट कहते हैं। तो ये तीन हम लोगों ने देख लिए, जो पर्सन ड्राइंग करता है उसको आर्टिस्ट कहते हैं, जो पर्सन शिप सेल करता है उसको सेलर कहते हैं, और जो पर्सन स्पेस में फ्लाई करता है उसको हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। नेक्स्ट आता है, अ पर्सन हु मेक्स सिक पीपल वेल, जो पर्सन बीमार लोगों को ठीक कर देते हैं उन्हें हम डॉक्टर कहते हैं। और फिर उसके बाद, अ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर, जो लेटर लेकर के आते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें हम पोस्टमैन कहते हैं। अ पर्सन हु ग्रोस क्रॉप, जो पर्सन फसल उगाते हैं उन्हें हम फार्मर कहते हैं। पर्सन हु मेक्स क्लोथ, जो पर्सन कपड़े बनाते हैं उन्हें हम टेलर कहते हैं, टेलर। अ पर्सन हु वर्क्स इन स्कूल, जो स्कूल में काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें तो हम टीचर कहते हैं, हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। अ पर्सन, या भी जो टीथ हमें देखते हैं ना हमारे, उन्हें हम क्या कहते हैं? जो हमारे टीथ देखते हैं उन्हें हम डेंटिस्ट कहते हैं। जब दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एरोप्लेन उड़ाने वालों को हम पायलट कहते हैं, और ये चैप्टर में भी हमें पायलट के बारे में बताया गया है। तो किसको क्या क्या कहते हैं ये हम लोगों ने देख लिया पूरा, आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं।
ये देखिए क्या क्या किस किस को कहते हैं, हम लोगों ने मैच सबका करा हुआ है। तो हमारे हो गए सारे क्वेश्चन आंसर्स। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।